अस्सलामुअलैकुम। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है सूजी की खीर, जिसके लिए मुझे चाहिए हाफ कप सूजी, हाफ कप चीनी, 1/3 कप देसी घी, आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, 4 खाने के चम्मच पिसे हुए बादाम, 1 लीटर दूध और ये कुछ चीज़ें गार्निशिंग के लिए। अब इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में देसी घी लेंगे और जब वो थोड़ा मेल्ट हो जाएगा तो उसमें सूजी ऐड करनी है। और अब सूजी को हल्की आंच पर अच्छी तरह से भूनना है। चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है ताकि ये नीचे नहीं लगे। जब सूजी अच्छे से भुन जाए तो इसमें पिसे हुए बादाम ऐड करेंगे और उसे 1 मिनट के लिए मज़ीद भूनना है। और फिर हम इसमें बाकी की चीज़ें यानी दूध, और चीनी भी ऐड कर देंगे। दूध और चीनी ऐड करने के बाद हमने मुसलसल चम्मच को हिलाते रहना है जब तक कि ये गाढ़ी ना हो जाए। तकरीबन 12 से 15 मिनट तक दरमियानी आंच पर इसे पकाने के बाद आप देखेंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी ये हो गई है। आप चाहें तो इसे मज़ीद गाढ़ा भी कर सकते हैं। और अब हमारी सूजी की खीर बिल्कुल तैयार है। हम इसे डिश में डालकर गार्निश कर लेंगे और फिर सर्व करेंगे। तो आप हमें कमेंट्स में बताएं कि आपकी सूजी की खीर कैसी बनी। खुदा हाफिज़।